हेलो व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों को पनीर का सब्जी बनाना बताऊंगी। मेरी वीडियो में कुछ कमी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पनीर की सब्जी बनाने के लिए मैं शिमला मिर्च, पनीर, प्याज, धनिया पत्ता, हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, बारीक कटी हुई टमाटर और बारीक कटी हुई प्याज लूँगी। अब मैं एक पैन को गर्म करूँगी, उसमें शिमला मिर्च डालूँगी। आप शिमला मिर्च को चरखुट चरखुट काट लें और इसी तरह से प्याज भी काट लें और दोनों को अच्छे से फ्राई कर लें। जब हमारा शिमला मिर्च और प्याज अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो इसे हम निकाल लेंगे। इसमें हम हल्का सा नमक भी ऐड करेंगे। अब हमारा शिमला मिर्च और प्याज फ्राई हो चुका, अब हम एक पैन गरम करेंगे, इसमें पनीर डालेंगे। पनीर में हम हल्का सा नमक और हल्दी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिलाकर हम फ्राई करेंगे। आप लोग मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मैं मोटिवेट हूँ और इसी प्रकार से आप लोग के लिए वीडियो बनाऊँ। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही खाने में टेस्टी लगता है। हमारा पनीर फ्राई हो चुका है, जिसमें मैं पनीर फ्राई की थी उसी पैन में मैं हल्का सा तेल डाली हूँ और उसमें जीरा डालूँगी। जीरा चटकने के बाद हम लोग हरी मिर्च को बीच से कट लगाकर डालेंगे। आप जितना तीखा खाना पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें मिर्चा डाल सकते हैं। मिर्चा डालने के बाद इसमें हम बारीक कटी हुई दो प्याज डाले हैं। प्याज डालने पर इसलिए हम लोग अदरक लहसुन का पेस्ट डाले, जब हमारा प्याज हल्का सुनहरा फ्राई हो जाए। उसके बाद हम लोग इसमें हल्दी ऐड करेंगे। हल्दी ऐड करने के बाद इसमें हम लोग लाल मिर्च ऐड करेंगे और गोलकी जीरा और धनिया का पाउडर और इसमें हल्का सा पानी डाल के हम फ्राई करेंगे। अब मसाले को अच्छे से ढक कर पकाएं ताकि खाने में ये कच्चा ना लगे। इसके बाद हम लोग इसमें बारीक कटी हुई टमाटर ऐड करेंगे और नमक डालकर इसे ढक देंगे ताकि हमारा टमाटर अच्छे से गल जाए। अभी YouTube में नई हूँ तो मेरे वीडियो में कोई भी कमी हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में कमेंट करके बताएं ताकि मैं अपने आने वाले वीडियो में इसे सुधार कर सकूँ। और आप किसी और रेसिपी की वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट में करें ताकि मैं आपके लिए वो रेसिपी लेके आऊँ। अब आप हमारा देख सकते हैं कि मसाला फ्राई हो चुका है। इसमें अब हम लोग जो शिमला मिर्च और प्याज फ्राई करके रखे थे वो ऐड करेंगे और उसके बाद हम लोग इसमें पनीर भी ऐड कर देंगे। सभी को डालने के बाद हम लोग अच्छे से मिलाएँगे, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। हमारा सब्जी लगभग बनकर तैयार हो चुका है। आप इसे इतना में ही बंद कर सकते हैं, बट आप इसे और भी टेस्टी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए मैं इसमें कुछ और ऐड की हूँ। आप चाहो तो इतना भी रख सकते हो, आपको जैसा ग्रेवी चाहिए उसके अकॉर्डिंग इसमें आप ग्रेवी डाल दो। अब हमारा सब्जी बनकर तैयार है। आप इतने में भी अपना गैस का फ्लेम ऑफ कर सकते हैं। अगर आप इसको ज़्यादा ग्रेवी वाला बनाना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें अपना पानी ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसे थोड़ा और टेस्टी बनाना चाहते हैं तो इसमें आप कस्तूरी मेथी, गरम मसाला और एक चम्मच टमाटो केचप डालें। ये टोटली ऑप्शनल है, आप इसे ऐड करना चाहते हो तो करो वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हो। सभी को डालकर हम मिलाकर हल्का ढक देंगे। अब हमारा सब्जी बनकर तैयार है। अब इसमें लास्ट में हम एक चम्मच घी ऐड करेंगे। अगर आपके पास बटर हो तो आप बटर भी ऐड कर सकते हो। यकीन मानो दोस्तों, घी या बटर लास्ट में ऐड करने से सब्जी बहुत ही टेस्टी लगता है। मैं लगभग हर सब्जी में डालती हूँ, मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद है। अब इसे हम धनिया पत्ता डालकर ऑफ कर देंगे। हमारा सब्जी बनकर तैयार है। थैंक यू फॉर वॉच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल एंड सपोर्ट मी।